हेलो ऑल माय डियर हनी हर्ट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द एचएम म्यूज़िक में और मैं हूं आपका दोस्त सिंगर कंपोजर लिरिसिस्ट एंड योर वोकल कोच हनी महाजन। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कि सर हेड वॉइस एंड चेस्ट वॉइस के बारे में बताइए, हेड वॉइस चेस्ट वॉइस क्या है, उनमें क्या डिफरेंस है उसके बारे में बताइए। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेड वॉइस एंड चेस्ट वॉइस, इनमें क्या डिफरेंस है और ये क्या होते हैं, कहाँ पर इनको यूज़ करना चाहिए, तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ सके। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए, साथ ही में बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन वीडियोज़ की आएँ। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं व्हाट इज़ चेस्ट वॉइस एंड व्हाट इज़ हेड वॉइस, आइए सीखते हैं। संगीत से जुड़ी हर जानकारी और संगीत की हर विधा को सीखने के लिए सर्च कीजिए YouTube पर #TheHMMusic और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कीजिए और ऑल प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि इनका नाम है चेस्ट वॉइस एंड हेड वॉइस, इसके नाम से ही हमें बहुत कुछ समझने को मिल जाता है, बहुत से हिंट मिल जाते हैं। चेस्ट मीन्स आपकी चेस्ट, आपकी छाती, इससे निकली हुई आवाज़ या चेस्ट की आवाज़ को हम बोलते हैं चेस्ट वॉइस। और हेड वॉइस मतलब आपके सिर से निकली हुई आवाज़। अब आप कहेंगे कि सिर से आवाज़ कैसे निकल सकती है या छाती से आवाज़ कैसे निकल सकती है, ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है सिर से आवाज़ मतलब सिर के, जब आप गाएँ या फिर बोलें तो आपके सिर के ऊपर प्रेशर पड़े, आपके हेड के ऊपर प्रेशर पड़े, तो उसको बोलते हैं हेड वॉइस। और अगर आप बोलें या गाएं आपकी छाती के ऊपर प्रेशर पड़े या चेस्ट के ऊपर प्रेशर पड़े तो उसको बोलते हैं चेस्ट वॉइस। ये तो हुई नॉर्मल आपको समझाने के लिए। अब इसको डीप में समझते हैं कि क्या है सिस्टम चेस्ट वॉइस और हेड वॉइस का, आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें चेस्ट वॉइस की, जैसे मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं चेस्ट से बात कर रहा हूँ। आइए अगर आप यहाँ पे अपने चेस्ट पे हाथ रखेंगे तो आपको फील होगा कि आपसे आपकी जो आवाज़ है वो नाभि कमल से निकलते हुए आपकी चेस्ट से होते हुए आपके मुंह से बाहर आ रही है, तो उसका जब जो भी आप बोल रहे हैं उसका प्रेशर आपके गले से होते हुए इस एरिया पर पड़ रहा है, ये वोकल एरिया, ये जो आपका गला है इससे होते हुए यहाँ से लेकर आपकी छाती तक पूरा इसका रेंज बन रही है। अगर आप हाथ रखेंगे बोलते टाइम भी अगर आप अपनी छाती पे हाथ रखेंगे आपको फील होगा इसकी वाइब्रेशन जो है वो आपकी छाती पर पड़ रही है, ठीक है जी। अब अगर हम ऊंचा गाते हैं, जब हम ऊंचा गाएंगे तार सप्तक में गाएंगे तब हमारा जो प्रेशर है, आपने देखा होगा जो भी ऊंचा गाता है उसका मुंह लाल हो जाता है और सारा प्रेशर जो है वो हेड पे आता है, तब वो हेड वॉइस कहलाती है। आइए पहले हम समझते हैं चेस्ट वॉइस के बारे में। देखिए जैसे मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ ये है चेस्ट वॉइस, और अगर मैं नीचे जाता जाऊँ सा सा नी दा पा मा गा रे सा, अब हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी चेस्ट के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। सा नी दा पा, मेरे साथ गा के देखिए, आप जैसे मैं गा रहा हूँ मेरे साथ गा के देखिए, आप फील करेंगे आपकी चेस्ट के ऊपर इस चीज़ का प्रेशर ज़्यादा पड़ने लगेगा। एक हाथ रखिए अपनी चेस्ट के ऊपर और अब गाइए सा नी दा पा मा गा रे सा नी दा। अब निषाद तक, अति मंद्र निषाद तक मैं गया हूँ, और जहाँ तक मैं गया हूँ मेरी चेस्ट के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है। अब उसमें आपने फील किया होगा आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका फेस जो है वो एकदम नॉर्मल है, आपका हेड है एकदम रिलैक्स है, यहाँ से लेकर आपके मुंह से लेकर आपके चेस्ट एरिया पे पूरा प्रेशर पड़ा, तो ये थी आपकी चेस्ट वॉइस, ठीक है जी। अब अगर हम बढ़ते हैं तार सप्तक की ओर, आइए देखते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, अब जैसे जैसे आप पंचम से ऊपर गए आपने फील किया होगा आपकी चेस्ट के ऊपर से प्रेशर घटता गया, आपकी चेस्ट जो है वो रिलैक्स होती गई,
पा धा नी सा रे गा रे सा। अब ऊपर के सा से तार सप्तक के सा रे और गा, जब आपने सा रे गा गाया तो आपकी चेस्ट एकदम हल्की हो गई, एकदम उसके ऊपर से प्रेशर निकल गया और सारा प्रेशर जो है आपके फेस एक्सप्रेशन के ऊपर आता गया। आप जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हैं, आपके माउथ से ऊपर ऊपर प्रेशर आता जा रहा है। सा रे गा मा पा धा नी सा, तार सप्तक के सा पर पहुंचे, सारा प्रेशर इस एरिया तक आ गया। सा रे गा, जब आपने गंधार लगाया गा रे सा, गंधार जब आपने लगाया तो आपका पूरा प्रेशर इस हेड एरिया पर आ गया। तो आपने ये चीज फील की है मेरे साथ, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे साथ गाइए तो आपको पता चलेगा, तो आपका पूरा प्रेशर जो है वो हेड के ऊपर आ गया। तो इस चीज़ से स्पष्ट होता है कि ये आपकी हेड वॉइस है। मतलब सीधे और साफ लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप मंद्र सप्तक में गा रहे हैं, मंद्र सप्तक में मध्य से लेकर अगर आप मंद्र की ओर जाते जाएंगे वो आपकी हो जाएगी चेस्ट वॉइस, और अगर आप तार सप्तक की ओर बढ़ते चले जाएंगे वो आपकी हो जाएगी हेड वॉइस। पर एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना है, जो हेड वॉइस है वो वहाँ तक हेड वॉइस रहती है जहाँ तक आपकी आवाज़ जो है अच्छे से आराम से रेंज जाती है। जैसे सा रे गा मा, अब मध्यम तक मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही है। अब अगर मैं पंचम तक जाऊँगा या तो वो क्रैक करेगी या फिर वो फॉल्सेटो यूज़ करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जहाँ तक आपकी आवाज़ अच्छे से आराम से जा रही है वहाँ तक आपका वो रहेगा हेड वॉइस, पर जहाँ तक उस रेंज से ऊपर अगर आप जाते हैं तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो यहाँ तो आपकी आवाज़ क्रैक कर जाएगी, गला क्रैक हो जाएगा, या दूसरा आपको फुल सेटो यूज़ करना पड़ेगा। और ये दोनों कंडीशन ही हेड वॉइस में नहीं आती, ना तो आपको गला क्रैक करना है ना ही आपको फुल सेटो यूज़ करना है। बात क्लियर हुई कि आपको फुल सेटो नहीं यूज़ करना। जब अगर आप ऊपर के स्वरों में फॉल्सेटो यूज़ करेंगे तो वो हेड वॉइस में नहीं गिना जाएगा। हेड वॉइस में वही वॉइस आती है जो आपकी आराम से उस रेंज तक पहुंच सके। सो अभी आपने एक और चीज़ इस वीडियो के माध्यम से समझी कि आपको आपका स्केल किस तरह से फाइंड आउट करना है। जैसे मैंने मंद्र अति मंद्र निषाद तक मैंने गाया और तार में कितना गाया, मध्यम तक मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही है, तो ये मेरा एक रेंज हो गई, मेरा एक स्केल फाइंड आउट हो गया कि मैंने इस ही रेंज में गाना है। अगर मैं इस रेंज से नीचे या इस रेंज से ऊपर गाता हूँ मेरा गला मेरा साथ नहीं देगा। सो इस वीडियो से हमने दो चीज़ें सीखी, हेड वॉइस एंड चेस्ट वॉइस, और दूसरा कि अपना रेंज किस तरह से पता करें गाने की। ठीक है जी, सो आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं दोनों की, हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस की, उनमें किस तरह के सॉन्ग आते हैं आइए देखते हैं। आपने गाना सुना होगा बहुत फेमस है, आज जाने की जिद ना करो। आज जाने की जिद ना करो। अब इस गाने को गाते टाइम अपनी चेस्ट के ऊपर हाथ रखिए। आज जाने की जिद ना करो, पहलू में बैठे रहो। तो ये है गाना आपकी चेस्ट वॉइस में, जिसमें मध्य और मंद्र सप्तक के स्वर ही यूज हुए हैं। अब एक एग्जांपल देखते हैं हेड वॉइस की। तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल। तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा दिल है मुश्किल मुझे। अब ये देखिए, इसमें हमने हेड वॉइस यूज की है। सो आई होप आपको डिफरेंस पता चल गया होगा और समझ में भी आ गया होगा कि हेड वॉइस और चेस्ट वॉइस क्या होती है और इसमें क्या डिफरेंस है। तो मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है इन दोनों के बारे में, हेड वॉइस या चेस्ट वॉइस क्या होती है और चेस्ट वॉइस में क्या रिस्ट्रिक्शन है, मतलब
कहाँ तक चेस्ट वॉइस रहती है, उसके बाद कहाँ तक फॉल्सेटो आ जाता है, ये भी चीज़ मैंने आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दी। सो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, जो भी आपके डाउट्स थे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर पाया तो आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर ज्वाइन कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मौज ऐप एंड ट्विटर, हम चारों पे अवेलेबल हैं। आप हमें चारों ऐप्स पे जाके ज़रूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए हमारे पेजेस को, ताकि आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना सके। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक चेस्ट वॉइस एंड हेड वॉइस के बारे में। सो अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसकी वीडियो भी ज़रूर बनाने की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, और कोविड में अपने गले का ख्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि यही तो आपकी धरोहर है, यही आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसका बचाव हमें करके रहना है और अपना हेल्थ मेंटेन करके रखनी है। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।